और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर आज सुनवाई है। चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। बयान दर्ज कराने में कोर्ट को 7 साल से ज्यादा का समय लगा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर आज बहस होगी। पूर्व सीएम चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा पर बहस होगी। ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट ने 2 दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए जांच एजेंसी ने हर पक्ष को अदालत के सामने पेश किया है। अदालत आज सजा पर जिरह सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश में चौटाला की साल दर साल अज्ञात जरिए से चल रही और अचल संपत्ति को अपने आदेश में जिक्र किया है। अदालत ने कहा कि चौटाला ने साल 1993 से साल 2006 के बीच कुल 5.54 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की थी, जिसमें चौटाला 2.73 करोड़ की संपत्ति के ही दस्तावेज पेश कर पाए हैं। जांच एजेंसी ने अपने केस को मजबूत बनाने के लिए कुल 106 गवाह अदालत में पेश किए। जांच एजेंसी को सभी गवाहों के बयान दर्ज कराने में 7 साल से अधिक का समय लगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वे जेबीटी भर्ती घोटाले में पिछले साल ही तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।